दिसंबर महीने में बनेंगे चार राजयोग, पांच महत्वपूर्ण ग्रह बदलेंगे अपनी चाल और इसी के साथ पांच राशि वाले लोगों का खुल जाएगा बंद किस्मत का ताला। दिसंबर का महीना कई राशियों के लिए करेगा चमत्कार, कई राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं दिसंबर 2023 की सभी महत्वपूर्ण और भाग्यशाली राशियों की तरफ। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी लोगों को मिल सके। ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री शनेश्वराय, नमः। मित्रों, वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर एक ग्रह समय समय पर गोचर करते हैं, अपनी चाल बदलते रहते हैं। और कई बार जब दो ग्रह या दो से ज्यादा ग्रह एक साथ एक ही भाव में विद्यमान हो जाते हैं ना, तब निर्माण होता है राजयोग का। और ज्योतिष शास्त्र में जितने भी ग्रहों का संयोग बनता है या जितने भी राजयोग बनते हैं ना, इसका सीधा प्रभाव चाहे अच्छा हो या बुरा हो मानव जीवन के साथ ही देश और दुनिया पर भी देखने को मिलता है। आपको बता दें, दिसंबर के महीने में मंगल, शनि, शुक्र, गुरु और चंद्र की युति से कई महत्वपूर्ण राजयोग बनेंगे। भगवान मंगल देव रुचक राजयोग का निर्माण करेंगे, तो भगवान शनिदेव की कृपा से बनेगा सस राजयोग। भगवान शुक्र देव बनाएंगे मालव्य राजयोग, तो वहीं देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा की युति से बनेगा गज केसरी राजयोग। इतने महासंयोग से दिसंबर का महीना कई राशियों की किस्मत को एकदम से चमकाने जा रहा है। कई राशि वाले लोगों को अचानक से धन का लाभ होने वाला है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं दिसंबर महीने की सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है तुला राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर रा री रू रे रो ता ती तू और ते से शुरू होता है, उनकी तुला राशि होती है। जैसे की राहुल, रीना, रुक्मणी, रेयांश, रौनक, ताराचंद, तुकाराम, तेनाली राम, इस तरह से जिनका भी नाम होता है ना, उनकी तुला राशि बनती है। और तुला राशि वाले लोगों के लिए दिसंबर का महीना बहुत ही अच्छा और भाग्यशाली सिद्ध होगा। दिसंबर में जो गज केसरी राजयोग, मालव्य राजयोग और सस राजयोग का निर्माण होगा ना, ये सभी आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। आपको अपनी मेहनत से पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त होगी और साथ ही अपने सभी कार्यों से आपको लाभ मिलेगा। दिसंबर के महीने में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि तुला राशि वाले लोगों को शुभ समाचार मिल सकता है, यानी कि गुड न्यूज की प्राप्ति होगी। कई दिनों से आपके जो भी अटके हुए काम थे वो पूर्ण होंगे। और साथ ही जो व्यक्ति नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, उनका नौकरी पेशा लोगों का ऑफिस में सीनियर्स के साथ बेहतरीन तालमेल बैठेगा। आपकी तनख्वाह बढ़ेगी, आपकी वहाँ पर पद प्रतिष्ठा और इज्जत में बढ़ोतरी होगी। दिसंबर में आप कोई भी लग्जरी या बड़ा आइटम खरीद सकते हैं। अपने घर में सुख सुविधाओं की बढ़ोतरी के लिए दिसंबर के महीने में आप कई महत्वपूर्ण बदलाव का अनुभव करेंगे। इस महीने शुक्रदेव के प्रभाव से आपका व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा। जो व्यक्ति सिंगल है, कुंवारे हैं और अपने लिए कई दिनों से योग्य पार्टनर की तलाश कर रहे थे, तो दिसंबर में आपकी यह तलाश पूर्ण हो सकती है। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से जो गज केसरी राजयोग बन रहा है ना, यह आपके भाग्य को उदय करके आएगा। तुला राशि वाले लोगों को धन का लाभ तो होगा ही, साथ ही धन की बचत भी होगी और आपकी हर रोज की इनकम में भी बढ़ोतरी देखी जाएगी। व्यापार और व्यवसाय से जुड़े लोगों को आर्थिक रूप से लाभ मिलेगा। जहां पहले आप कई दिनों से अपने व्यापार में ग्राहकों का इंतजार किया करते थे, अब जिस तरह से जो चार महायोग का निर्माण हो रहा है ना, ये तुला राशि वाले लोगों की किस्मत को एकदम से बदल के ही रख देगा। आपको व्यापार में खाना खाने तक का समय नहीं मिलेगा और हर तरफ से आपको धन की प्राप्ति होगी। आर्थिक रूप से भी यह महीना आपके लिए अच्छा रहने वाला है। जिन लोगों के विवाह में कोई भी अड़चन आ रही है, उनके रिश्ते आगे बढ़ेंगे, रिश्तों की बातचीत चलना शुरू होगी और दिसंबर आखिर तक कहीं ना कहीं योग्य जगह पर आपका रिश्ता भी होगा और आपको जीवन साथी की प्राप्ति होगी। अगर आप किसी के साथ प्रेम संबंधों में हैं, तो आप उसे अपने प्रेम विवाह का प्रस्ताव भी दे सकते हैं और ग्रहों का जो ये संयोग बन रहा है कि आपका विवाह का प्रस्ताव मंजूर भी हो। आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा और कई दिनों से अगर कहीं पर भी रुका हुआ या फंसा हुआ धन है तो वो वापस मिल सकता है। इनकम में बढ़ोतरी के नए नए मार्ग खुलेंगे। अप्रत्याशित रूप से यानी कि अचानक से धन का लाभ होने की संभावना भी बन रही है। चलिए जान लेते हैं दिसंबर महीने की अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बन रही है उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। तो वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं।
यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नव ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं, कि आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, अगर दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है, कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है, आपका भाग्य उदय कब होगा, जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे, नौकरी या व्यापार किस में आपको ज्यादा तरक्की ज्यादा सफलता प्राप्त होगी। यह साल 2023 तो जैसे तैसे निकल रहा है, आने वाला साल 2024 आपके लिए कैसा रहेगा, आपकी कुंडली में कितने राजयोग बनते हैं, कौन सा व्यापार आपके लिए अच्छा रहेगा जिसमें आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलेगा, आपको सरकारी नौकरी की प्राप्ति कब होगी, आपका विवाह कब होगा, कर्ज से छुटकारा कब मिलेगा, पारिवारिक जीवन में शांति कब महसूस होगी, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, बहुत दिनों से आपका रुका हुआ धन है जो आपको मिल नहीं पा रहा है, या आपके काम लगातार पेंडिंग हो जाते हैं, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है और विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लगातार लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश बना रहता है, या पति पत्नी का कहीं दूसरी जगह पर अफेयर चल रहा है जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए दिसंबर महीने की अगली जो भाग्यशाली राशि की बात करें तो वो आती है मेष राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ला ली लू ले लो ए चू चे और चो से शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है, जैसे कि लोकेश, लाला राम, लीला, लेखराज, अंकित, अरुणा, चौथमल, चेन सिंह, इस तरह से जिनका भी नाम होता है ना, उनकी मेष राशि होती है। मेष राशि वाले लोगों के लिए दिसंबर 2023 का जो आखिरी महीना है, ये आपको करियर और कारोबार दोनों ही लिहाज से लाभकारी साबित होगा। एक तो दिसंबर में जो चार महत्वपूर्ण राजयोग बन रहे हैं, ये आपको हर क्षेत्र में सफलता दिलाएंगे, आपके जीवन में सफलता का दौर आरंभ होगा और साथ ही करियर से जुड़े सभी बेहतरीन मौके मिलने भी शुरू होंगे। दिसंबर में आपको समय समय पर अचानक से धन लाभ होने का योग बनेगा, संतान की तरफ से कोई भी शुभ समाचार आपको मिल सकता है और वहीं एक आपकी राशि के स्वामी है भगवान मंगल देव, जो कि दिसंबर में आपको भूमि और वाहन दोनों का ही सुख दे सकते हैं। आप अपने लिए कोई भी वाहन की खरीदारी करने में सफलता प्राप्त करेंगे या कोई भी बड़ा प्लॉट या जमीन जायदाद वगैरह है ना, तो उसका आप सौदा कर सकते हैं। साथ ही जो लोग रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनको इस समय अच्छी सफलता मिल सकती है, धन का लाभ हो सकता है। चलिए दिसंबर महीने की अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है धनु राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ये यो भा भी भू धै फै ढै और भे से शुरू होता है, उनकी धनु राशि होती है। मित्रों, चार राज्यों का बनना धनु राशि वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और शुभ साबित हो सकता है। यह राजयोग दिसंबर में आपको बहुत ही अच्छा धन का लाभ दिला सकते हैं, जिससे आपकी इनकम में बढ़ोतरी हो सकती है। उसके अलावा इनकम के नए नए स्रोत आपके बनेंगे और वहीं अगर आप कारोबारी है तो आप अपने व्यापार के विस्तार में आगे बढ़ेंगे, व्यापार को और आगे बढ़ाएंगे। नौकरी और कारोबार दोनों में ही आपको इस वक्त अप्रत्याशित रूप से लाभ होने की उम्मीद है। आपके धन और सम्मान में बढ़ोतरी होगी और आपकी रुकी हुई योजनाएं फिर से आरंभ हो सकती है। इस समय आपको कोई भी वाहन या प्रॉपर्टी खरीदने का सुख मिल सकता है, साथ ही आपकी इच्छाओं की पूर्ति भी होगी। दिसंबर महीने में किए गए आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे, भाग्य पूरी तरीके से आपके फेवर में रहने जा रहा है। चलिए जान लेते हैं दिसंबर के महीने की अगली और अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना, वो आती है वृषभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ई ऊ ए ओ वा वी वू वे और वो से शुरू होता है, उनकी वृषभ राशि होती है।
मित्रों, वृषभ राशि वाले लोगों के लिए भी दिसंबर का महीना अत्यंत ही शुभ और लाभकारी रहने वाला है। आपकी राशि के लोगों को हर क्षेत्र में सफलता के साथ ही अच्छे परिणाम मिल सकते हैं और करियर में तरक्की मिलने की प्रबल संभावना बन रही है। आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो पहले की तुलना में बेहतर होगी। आकस्मिक रूप से यानी कि अचानक से धन लाभ होने का योग बनेगा और इस अवधि में आपको कोई भी अच्छा और सुखद समाचार भी मिल सकता है। भाग्य पूरी तरीके से आपके फेवर में रहेगा। अचानक से धन लाभ होने का योग भी बन रहा है। तो चलिए, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देती है विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मित्रों,